हेलो गाइस, दिस इज़ प्रशांत कुमार एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइस, दिस इज़ आवर 22nd लेक्चर रेविट 2024 बिगनर सीरीज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एरिया। तो एरिया किस तरह से काम करता है रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे कवर होते हैं, लाइक एरिया है यहाँ पे हमारे पास, प्लान एरिया है, उसके अलावा यहाँ पे एरिया बाउंड्री है, एरिया टैग है। तो किस तरह से एरिया पे हम काम करेंगे, कैसे हम किसी भी प्लान का एरिया डिफाइन कर सकते हैं, कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं हमारी बिल्डिंग को, तो यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट एग्जांपल रखे हैं। एक हमारे पास रेजिडेंशियल प्लान है, इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, और एक हमारे पास यहाँ पर कोई भी कमर्शियल ऑफिस का डिज़ाइन है जो कि हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है। अगर मैं आपको लेआउट शो करूँ तो इस तरह की लेआउट हमारे पास है कमर्शियल डिज़ाइन के लिए, और यहाँ पे है लेआउट हमारे पास रेजिडेंशियल डिज़ाइन के लिए। तो किस तरह से एरिया काम करेगा, कैसे हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपको, और ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाला है, इसके अंदर हम कंप्लीट एरिया के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। कलर स्कीम कैसे काम करता है एरिया के अंदर, स्केड्यूलिंग कैसे होती है, उसके अलावा कैसे आप यहाँ पर लीजेंड शो कर सकते हैं, तो स्टेप बाई स्टेप हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी क्वेरी आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज इसी तरह की इंटरेस्टिंग और अपडेट्स की वीडियोज़ हम लगातार अपडेट करते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एरिया के लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको आना पड़ेगा एरिया प्लान। तो जैसे ही आप एरिया प्लान के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गए हैं। अब वीडियो शुरू करने के साथ साथ मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि जब आप कोई भी बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाते हैं तो वहाँ पर टेम्पलेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम रेविट शुरू करते हैं तो मोस्टली लोग डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लैक करती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप रेविट शुरू करें तो वहां पे या तो आप रेजिडेंशियल टेम्पलेट का यूज करें या फिर आप कमर्शियल टेम्पलेट का यूज करें। टेम्पलेट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेम्पलेट्स के लिंक्स दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमने डिजाइन बनाया है यह कमर्शियल टेम्पलेट के अंदर डिजाइन बनाया है। तो किस तरह से हम एरिया यहाँ पे शो करेंगे, सबसे पहले आपको जाना है एरिया प्लान पे। तो जैसे ही आप एरिया प्लान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे टाइप यहाँ पे शो कर रहा है ग्रोस बिल्डिंग एंड रेंटेबल। तो रेंटेबल के अंदर क्या होता है कि आप इनसाइड, मतलब यहाँ पे बाउंड्रीज जो हैं वो यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे, और इनसाइड जो भी हमारा एरिया होगा विच इज़ रेंटेबल, तो वहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया लाइक लेवल वन के ऊपर हम रेंटेबल शो करना चाहते हैं, सो यहाँ पे आपके पास पॉपअप आता है ऑटोमेटिकली क्रिएट बाउंड्री लाइंस एसोसिएटेड विद ऑल एक्सटर्नल वॉल्स। तो आपको यहाँ पे यस करना है। तो जैसे ही आप यस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक नया लेवल जो है वो क्रिएट हो गया है, एंड इट विल अपीयर लाइक, तो ये देखिए यहाँ पे एरिया प्लान जो है वो अलग से एक्टिवेट हो गया है रेंटेबल करके, और इसमें जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी, तो यहाँ पे रेंटेबल है। तो रेंटेबल अगर हम यहाँ से रेंटेबल रखना चाहें तो रेंटेबल रख सकते हैं। और अगर आप, अगेन मैं लेवल वन पे जाता हूँ, अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एरिया प्लान और यहाँ से करते हैं ग्रोस बिल्डिंग, अगेन लेवल वन, ओके एंड यस, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सटर्नल वॉल्स हमारी यहाँ पे इंक्लूड होंगी टोटल एरिया के अंदर विच इज़ ग्रोस बिल्डिंग। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पे शो करेगा, ये देखिए, तो ग्रोस बिल्डिंग की डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं और रेंटेबल की डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। तो ग्रोस बिल्डिंग में आपको टोटल पता लग जाएगा कि आपका वर्किंग प्लान कितना है, और रेंटेबल के अंदर आपके पास इनसाइड स्पेस आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम रेंटेबल में जाते हैं, और रेंटेबल में आने के बाद अगर आपको चेक करना है कि आपका टोटल एरिया कितना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया एंड देन यहाँ से हम टैग शो करते हैं, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा इनसाइड, मतलब आउटर वॉल को छोड़ देते हैं, इनसाइड जो स्पेस है विच इज़ 2059 स्क्वायर फीट। सी, अब हम यहाँ पे इसको कैटेगराइज करते हैं, मतलब एरिया कौन कौन सा एरिया किस किस पोर्शन को लेके डेडिकेटेडली हमने ये पूरा जो बिल्डिंग है इसको डिज़ाइन किया है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास एरिया बाउंड्री। तो जैसे आप एरिया बाउंड्री पे जाते हैं, यहाँ से आपको जाना है पिक लाइन पे। अब यहाँ से जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन हमारा डिफरेंट है मान लीजिए, एंड ये जो पूरा पोर्शन है डिफरेंट है,
ये जो पोर्शन है डिफरेंट है और ये वाला पोर्शन डिफरेंट है। तो आप देखेंगे जो रेस्ट एरिया हमारे पास बचा है विच इज़ 687 स्क्वायर फीट। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे एरिया के ऊपर, तो ये आपको अलग शो होगा, ये आपको अलग शो होगा, ये अलग शो होगा, एंड ये आप अलग से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के बाद आपको एरिया टैग में जाना है, यहाँ से आप शो कर सकते हैं, यहाँ पे आप अलग शो कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप अलग शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अलग अलग टैग डिफाइन किए। अब हम यहाँ पे इनके नेम डिफाइन कर देते हैं, लाइक ये हमारी एंट्रेंस है और कॉमन एरिया है, तो हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं दिस इज़ आर कॉमन एरिया, और यहाँ से ये हमारी ऑफिस की जो लाइन है उसका ये फर्स्ट फेज है, तो इसको मैं कर देता हूँ ऑफिस लाइन वन। तो ये पूरा एक सीक्वेंस हो गया हमारे रूम्स का, या फिर जो भी हमारे ऑफिसेज हैं, तो 1 2 3 4 4 ये पूरा एक सीक्वेंस है, तो मैंने इसे लाइन वन नाम दे दिया। और यहाँ पे इसी तरह की लाइन टू है हमारे पास, तो हमने इसे ऑफिस लाइन टू रखा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे अलग अलग हमारे पास ऑफिसेज हैं, तो ये लेन 2 हो गया हमारे पास। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में अगर हम देखें तो ये हमारा लाइक बाथरूम एरिया या फिर बाथ एरिया कर देते हैं इसे, या बाथरूम एरिया डिफाइन कर सकते हैं आप। तो ये हमारा अलग डेडिकेटेड एरिया है, एंड दिस इज़ आर स्टोर रूम, तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा स्टोर रूम है। इसके अलावा आप इनको और भी डिटेल में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप ये जो रेफरेंसेस हाईलाइट हो रहे हैं, जब आप रेफरेंसेस को ध्यान रखिएगा, आपको टैग को सेलेक्ट नहीं करना है, आपको रेफरेंसेस को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो यहाँ से भी आप इसे रीनेम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो जो हमने डिफ़ाइन किया वो सारे नेम आ गए हैं। तो अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं नेम को। नंबर चेंज करना चाहें, वो सीक्वेंस है कि 1 2 3 4 की सीक्वेंस में से डिफाइन किया था, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको इमेजेस कोई रेफरेंस देना है इमेज का इंटीरियर का, तो आप वो रेफरेंस दे सकते हैं, कोई डिटेल डालनी है कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एरिया टाइप, ये जो बिहेवियर है इस एरिया का वो बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है ऑफिस एरिया, तो यहाँ से कॉमन एरिया है तो बिल्डिंग का कॉमन एरिया रख लेते हैं। यहाँ से हमें डिफाइन करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे, ये हम डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास है ऑफिस एरिया, तो हमने इसके कैटेगरी में से डिफाइन कर दिया ऑफिस एरिया। इसी तरह से ये भी हमारे पास ऑफिस एरिया है, तो ये भी हम कर देते हैं यहाँ पे ऑफिस एरिया। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं दिस वन, तो ये हमारे पास है स्टोर रूम एरिया, तो यहाँ पे स्टोर एरिया कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम चेक करते हैं और ये हमारे पास है, तो इसे भी हम यहाँ पे बिल्डिंग कॉमन एरिया का ही पार्ट रख लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से आप इनकी कैटेगरीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। अगेन अब यहाँ पे हमें कलर स्कीम को शो करना है, तो अभी हम ये सारा कर रहे हैं यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर। सो नेक्स्ट गाइज, अगर यहाँ पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे कलर स्कीम, तो कलर स्कीम पे आपको जाना है, और स्कीम पे जाने के बाद यहाँ से आप इसे डिफ़ाइन करेंगे यहाँ से एरिया रेंटेबल, बिकॉज़ हम रेंटेबल ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो कैटेगरीज है यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर मुझे विद नेम चाहिए तो मैं विद नेम ले सकता हूँ, ओके मैंने किया। ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ से इसे ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद कलर स्कीम पे आना है, और यहाँ पे भी आपको डिफ़ाइन करना है रेंटेबल एरिया विद नेम, एंड देन ओके। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमारे जो कलर स्कीम है वो इस तरह से अपीयर हो जाएंगे। अपीयर होने के बाद अगर आप इसे सिस्टमैटिकली शो करना चाहते हैं या फिर कलर में चेंज करना चाहते हैं, तो शो कैसे करेंगे, एनोटेट पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लीजेंड, तो कलर फील लीजेंड पे जाएंगे, एंड देन आप इस तरह से इसे शो कर सकते हैं। अब आप इसे शो कैसे करना चाहते हैं, विद नेम शो करना चाहते हैं या विद आप इसे एरिया शो करना चाहते हैं, तो इसे सेलेक्ट करके आपको जाना है एडिट स्कीम पर, और एडिट स्कीम में जाने के बाद अगर आपको लाइक स्टोर रूम नहीं दिखाना है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं विजिबिलिटी को, एंड ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो एरिया है वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे ओके, स्टोर रूम हमें शो करना है, ये देखिए अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है स्टोर रूम, हमने वापस से इसे विजिबल किया, ओके किया, तो इस तरह से इसे ये कैलकुलेट कर लेगा दोबारा से।
उसके अलावा अगर हमें यहाँ से कोई भी इनपुट ऐड करनी है तो हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं लाइक हमें। तो इतना कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट अगर आप सेलेक्ट करके एडिट स्कीम पे जाते हैं तो आप इसे बाय नेम भी फिल्टर कर सकते हैं, एरिया टाइप वाइज भी कर सकते हैं, नंबर वाइज भी कर सकते हैं और पैरीमीटर वाइज भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं लाइक आप चाहते हैं कि जो कॉमन एरिया है उसका जो कलर है वो येलो में शो हो, तो कलर में जाके आप इसे चेंज कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट किया, ऐड किया, ओके किया, तो यहाँ पर कलर अपडेट हो गया है। इसी तरह से बाकी कलर्स भी मुझे चेंज करने हैं, ऐड किया हमने, तो इस तरीके से डायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हैं, जिस भी तरह का कलर आपको चाहिए तो वो कलर यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। कलर फाइनल करने के बाद जैसे लाइक हमने यहाँ पे कलर फाइनल कर लिया, अभी हमें फिल पैटर्न कैसा दिखाना है तो वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि मुझे कॉन्क्रीट दिखाना है फिल पैटर्न या मुझे यहाँ पे एल्यूमिनियम दिखाना है फिल पैटर्न। तो जैसे आप अप्लाई करके ओके करेंगे तो ये देखिए ये फिल पैटर्न भी यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा कि आपको फिल पैटर्न कैसा चाहिए। यहाँ कंक्रीट किया तो कंक्रीट आ रहा है येलो कलर में, तो जो भी कलर चूज़ करेंगे और जो भी पैटर्न चूज़ करेंगे वो पैटर्न वहाँ पे इस तरह से अपीयर कर जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पैटर्न नहीं चाहिए तो अगेन एडिट करके यहाँ से हम इसे सॉलिड फिल कर देंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं सॉलिड फिल एंड अगेन इसे भी कर देते हैं सॉलिड फिल एंड देन इसे हम कर देते हैं यस। तो ये हमने यस किया, अप्लाई एंड देन ओके। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये इस तरीके से अपीयर होगा इस तरह से। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं किस तरह से रेंटेबल हमने किया है। इसी तरह से ग्रोस के अंदर जब आप जाएंगे, एज यू कैन सी यहाँ पे हम आ गए ग्रोस के अंदर, जस्ट इसके ऊपर है ग्रोस। तो ग्रोस के अंदर टोटल एरिया हमारा आ रहा है यहाँ पे। इसके अंदर भी अगर आप कलर स्कीम करना चाहें तो यहाँ से हमें डिफाइन करना पड़ेगा ग्रोस बिल्डिंग। अभी यहाँ पे हमारे पास कॉमन एरिया एक ही है तो हम ओके करेंगे। यहाँ से हम ड्रैग करके कलर स्कीम पे जाएंगे, डिफाइन करेंगे ग्रोस एंड देन ओके। तो ये देखिए फिल हो गया। तो जो भी इसमें एडिशनल एरिया होगा जो भी आप डिफाइन करेंगे ग्रोस के अंदर भी, लाइक हमने यहाँ पे बाउंड्री को चूज़ किया और यहाँ से हमने इसे डिवाइड कर दिया, ये इतना पोर्शन ये हम क्लोज कर देते हैं फ्रॉम हियर टू हियर, ये हमने क्लोज़ किया। तो जैसे आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, मान लीजिए मैंने डिफाइन कर दिया इसे रूम, ये एरिया सॉरी, तो ये एरिया मैंने डिफाइन किया, टैग यहाँ पे यूज़ किया इस तरह से, तो ऑटोमेटिकली लाइक ये मेरे पास अभी दोनों के नेम सेम है। मैं इसे कह देता हूँ इंटीरियर एंड दिस इज़ माय रिसेप्शन एरिया। तो यहाँ पे मैंने इसे चेंज किया ओके। एंड चेंज करने के बाद जैसे मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद यहाँ से हम जा सकते हैं कलर स्कीम पर और यहाँ से हम एरिया टाइप की जगह यहाँ से ले सकते हैं विद नेम। तो आप देखेंगे दोनों नेम आ गए, अप्लाई एंड देन ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ग्रोस एरिया के अंदर भी एंड रेंटेबल के अंदर भी। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने लिस्ट पूरी प्रिपेयर कर ली है, इस तरह की लिस्ट हमारे पास आ गई है। अब इसकी रिपोर्ट हम कैसे बनाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन का काम कैसे करेंगे? तो दो तरीके हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एक जैसे कि हमने रूम में देखा था, ये इससे लास्ट 21st वीडियो जो हमने बनाई है वो आप रूम अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। तो उसी तरह से हम एक्सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट में यहाँ पर रूम के साथ साथ आप एरिया की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो कहाँ पे आपको ये रिपोर्ट रखनी है, ये हमारे रेंटेबल, यहाँ पे हमारे पास रेंटेबल की रिपोर्ट है तो ये मैं शो कर देता हूँ रेंटेबल। एंड ये मेरे लेवल वन की रिपोर्ट है, लेवल वन। एंड देन करंट व्यू का मुझे चाहिए, ऑप्शन में जाकर के आप यहाँ पे जो भी एडिट करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, फॉर्मेट आउटलाइन का, ट्रायंगल का, जो भी कलर आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड देन ओके। सो ओके करने के बाद जब आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रेंटेबल लेवल वन की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। तो जितने भी यहाँ पे एरिया आप देखेंगे, अलग अलग जितने भी एरिया हैं उनका टोटल ब्लॉक का साइज़ हमें यहाँ पे ग्रोस एरिया यहाँ पे हमें टोटल मिल जाएगा इस तरीके से। ये पूरी रिपोर्ट जो है वो ये रिपोर्ट आपके पास इस तरह से आ जाएगी। तो एक रिपोर्ट तो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं ट्रायंगुलर रूम के लिए। दूसरा इसी के अंदर ऑप्शन होता है, आप देख सकते हैं लाइक हम यहाँ पे आए एक्सपोर्ट, यहाँ से हमने किया। एंड सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन रिपोर्ट भी हमारे पास है। तो रेविट रूम एरिया की न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं रेंटेबल के अंदर ही। इसको रीनेम कर देते हैं 1, 2 एंड देन इसे हम कर लेते हैं सेव। तो ये रिपोर्ट भी आप देखेंगे सी। तो
तो यहाँ पे ये यह हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। तो ये पूरी न्यूमेरिकल रिपोर्ट है इस तरीके से, तो एक कंप्लीट जो हमारा एरिया है उसकी पूरी न्यूमेरिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो ये रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक तरीका मैं इसमें आपको और भी बताता हूँ कि आप इसका स्केड्यूलिंग कैसे कर सकते हैं और उसमें भी आप टोटल एरिया कैसे कर सकते हैं, टोटल एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद यहाँ से आप जा सकते हैं स्केड्यूलिंग एंड क्वांटिटीज़ पे, एंड यहाँ से आपको सर्च करना है एरिया। तो जैसे ही आप ए प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा एरिया में आप कौन सा एरिया लेना चाहते हैं, रेंटेबल लेना चाहते हैं या ग्रोस बिल्डिंग लेना चाहते हैं। मान लीजिए हमें रेंटेबल लेना है और यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ एरिया, एरिया रिपोर्ट स्केड्यूल। तो ये हमने डिफाइन किया, उसके बाद ओके किया। ओके करने के बाद ये सभी डिटेल्स मुझे चाहिए, तो सभी को मैंने सेलेक्ट किया, इस तरफ आ गए। अब जो जो डिटेल्स आपको हटानी है, लाइक कमेंट्स मैंने नहीं दिए हैं, कमेंट्स मैंने नहीं दिए हैं, ये भी नहीं दिए हैं, उसके अलावा इमेजेस भी नहीं है और यहाँ से काउंट भी नहीं है, तो इनको हम निकाल देते हैं। ये हमने निकाल दिए। तो ये रिपोर्ट हमें जनरेट करनी है। इसमें नेम हम सबसे ऊपर चाहते हैं, तो नेम आ गया। उसके बाद नंबर दो पे हम नंबर चाहते हैं, एंड देन इतना करने के बाद इसे ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके करेंगे ये देखिए, ये हमारे पास एरिया की पूरी रिपोर्ट बन के आ गई है, जिसमें विद नेम, नंबर, एरिया, एरिया टाइप। अब देखिए यहाँ पे टाइप आ गया है, तो ये रिपोर्ट में ये चीज़ जो हमने टाइप में डिफाइन की थी वो यहाँ पे काम आएगी, कि जो कॉमन एरिया है वो बिल्डिंग कॉमन का है, ऑफिस ऑफिस एरिया है, बाथ यहाँ पे बिल्डिंग कॉमन एरिया है, और स्टोर रूम यहाँ पे स्टोर एरिया है। तो इस तरह से ये इनका टोटल पैरामीटर है, और ये अब हमें टोटल करना है कि टोटल एरिया कितना होगा, टोटल पैरामीटर कितना होगा। तो टोटल करने के लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग के एडिट में क्लिक करना है, ग्रैंड टोटल करेंगे, टाइटल एंड टोटल करेंगे, फॉर्मेटिंग में जाएंगे। फॉर्मेटिंग में हमें एक तो एरिया को टोटल करना है, तो एरिया सेलेक्ट करेंगे, कैलकुलेट टोटल, और पैरीमीटर को करेंगे कैलकुलेट टोटल। जैसे ही आप ओके करेंगे ये देखिए यहाँ पे, तो ग्रैंड टोटल हो गया, यहाँ पे एरिया 2070 स्क्वायर फीट और पैरीमीटर 521 फीट 8 इंचेस। सो इस तरीके से आप पूरी डिटेल सिस्टमैटिक तरीके से हमारे कमर्शियल बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल डिज़ाइंस में आप एरिया की रिपोर्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली जनरेट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। आगे भी हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट करते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे करते रहेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।